बचपन में आपका पढ़ाई गांव पे ही किए या बाहर से किए? मैंने प्रारंभिक अपना पढ़ाई की, मैं काफी डरी हुई थी क्या पता क्या होगा, लेकिन इतना श्योर थी कि इस बार कोई ना कोई। जब आप बाहर पढ़ने गए हैं तो अगल बगल के लोग कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहा जा रहा है, उनकी वाहन डीएसपी बनके आज गांव पहुंची हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबन न्यूज बिहार, मैं हूं शिवम। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर जुनून हो जाए किसी भी कार्य को करने के लिए तो जुनून जरूर पूरा होता है। आज हम मौजूद है सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के हसनपुरा मौजूद है, और मेरे साथ एक सिवान की लाडली बेटी जो मौजूद है, काफी चर्चित हो गई है दो दिनों से। काफी आप देख रहे होंगे तमाम चैनल पर, तमाम खबरों में देख रहे होंगे ये जो लड़की है बीपीएससी क्वालिफाई की। सबसे पहले मेरे चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। आपने बीपीएससी क्वालिफाई कर चुकी है और आज अपने गांव में तमाम लोग मुलाकात करने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, मेरे परिवार भी काफी खुश है, पूरा समाज काफी खुश है, और संतुलस मुझे इतना प्यार देगा, इतना सपोर्ट करता है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है। आपने बीपीएससी जब पढ़ाई शुरू की पढ़ाई करना पड़ा? वैसे तो मेरा परिवार काफी सपोर्टिव था, मैंने देख लिया मुझे बाहर लेके पढ़ना है, मुझे भी आगे पढ़ना है, मुझे भैया मेरे पापा का सपोर्ट मिल सके ये रास्ता था, इस प्रकार का कोई कठिनाई नहीं था कि हम नहीं पढ़ने मिला है, काफ़ी सपोर्टिव था। बचपन में पढ़ाई गाँव पे ही किए या बाहर से किए? मैंने प्रारंभिक अपना पढ़ाई यहीं से किया है, गाँव से किया है, मतलब अभी जब बीपीएससी क्वालिफाई कर लिए रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको किसका कॉल आया था? मैं काफी डरी हुई थी क्या पता क्या होगा, लेकिन इतना श्योर थी कि इस बार कोई ना कोई टेस्ट नहीं मिल जाएगा, तो सबसे पहले मैंने अपने माता पिता को कॉल किया, उसके बाद मैंने अपने बड़े भैया को। एक खबर में दिखाया गया है कि आपके पिता एक साल पूर्व भी आपको आशीर्वाद दिए थे कि बेटी बीएसपी बनो, क्या बात सच है? आज रात तो कुछ और खुशी का अंदाज कुछ अलग होता है। हाँ बिल्कुल, और अंदाज अलग होता है, ये कभी तो हमेशा नहीं। आप एक लड़की हो क्या बीपीएससी क्वालिफाई जब आप बाहर पढ़ने गए हैं तो अगल बगल के लोग कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रहे होंगे? जी बिल्कुल, अगल बगल के लोग काफी क्वेश्चन उठा रहे थे, मैं पूर्ण रूप से अपने परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगी, इसलिए कोई भी नेगेटिव कमेंट तो अपने तक नहीं आने देते, मतलब मेरे तक तो कभी भी नहीं किए कि हाँ क्वेश्चन मार्क मेरे से पूछा जाए, क्वेश्चन मेरे से किया जाए, कभी नहीं, उनका पूरा सहयोग, उनका पूरा सपोर्ट का विश्वास था। तमाम ऐसे दर्शकों को देखा जाता है कि उनके माता पिता होते हैं सोचते हैं कि अगर पढ़ाएंगे तो फिर शादी में दहेज देना होगा, ऐसी बात तमाम माता पिता सोचते हैं। ये बहुत नैरो माइंडेड सोच है समाज का। हाँ एक अड़चन आता है लड़कियों के खासकर पढ़ाई में कि हाँ अभी भी आप पढ़ा देंगे पैसे लगेंगे और दहेज में भी पैसा देना पड़ेगा, तो ये सोच बदलना पड़ेगा क्योंकि अगर आप पढ़ा देते हो तो हो सकता है आपको वो दहेज ही ना देना पड़े, और उसके बाद से वो आपका आपके परिवार को सपोर्ट करें, जहाँ जाए वहाँ पर सपोर्ट करें, अपने समाज को सपोर्ट करें, आप अपना सोच बदलो। तमाम जो लड़की मेरे चैनल को आप देख रही होगी उनसे आप क्या अपील कीजिएगा, क्योंकि अब बीएसपी बन चुके हैं? लड़कियों से खासकर ये अपील होगा कि हाँ एक अपने जीवन के उद्देश्य निर्धारित करें, किसी कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो, कोई भी फील्ड में हो सकता है, और आप उसको निरंतर प्रयास करें उसको पाने का। देखिए मेरे साथ जो बीबीएससी एग्जाम क्वालिफाई की हुई डीएसपी बन चुकी है, मेरे साथ लड़की मौजूद थी, काफ़ी बातचीत सुना उनके साथ मेरे भाई मौजूद है मेरे साथ, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहा जा रहा है, उनकी वाहन डीएसपी बनके आज गांव पहुंची हुई है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो नमस्कार, आज मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरी वाहन ये कामयाबी हासिल जो की है, उपलब्धि जो प्राप्त की है, इससे मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये मेरा ही घर की जो है गौरवान्वित नहीं है, पूरे समाज की है, ये प्रखंड संपूरा की है,
अभी इतिहास है कि आज जो है पिछले जो नहीं किए ये इतिहास जो है रची, ये जो है संस्कार की जो इतिहास रची है इसको सदियों तक याद किया जाएगा। जिस तरह से इनका स्वागत हुआ है आज तक जो है किसी का भी स्वागत नहीं हुआ है। यह स्वागत किसी पैसे का मोहताज नहीं, यह स्वागत सफलता का मोहताज है। जो स्वागत इनका फूलों के बारे से लेकर हर एक तरह से जो लोग जो है अपने आप को समर्पित किए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूरे समाज में ये मैसेज है, उनके गार्जियन के भी अंदर एक मैसेज पहुँचा है कि हाँ हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, हम भी अपनी बेटी को लिखाएंगे, वो हमारी बोझ नहीं रहेगी, वो हमारी सर की ताज रहेगी। ठीक है, उनके भाई भी मेरे साथ मौजूद थे, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि तमाम समाज के लोग से हम अपील करते हैं सभी अपनी बेटी को पढ़ाएं, बेटी कोई समाज की बोझ नहीं है। और पढ़ लिखकर आज जैसे रीता चोहल नाम की लड़की आज DSP बन चुकी है, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े बड़े अधिकारी पहुँच रहे हैं, बधाई देने पहुँच रहे। उसी क्रम में एक और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वही पहुँचे हुए, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या पहुँचे हुए यहाँ पे, क्या कहिएगा आपके बगल की जो लड़की है सूचना मिला कि वसुंधरा कला में वो DSP पद पर नियुक्त हुए, तो ऐसे क्षेत्र में पूरा खुशी का माहौल है, सभी लोग खुश हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे घर की बेटियाँ इतना बड़े पद पर नियुक्त हुई है। इसमें बहुत सारे लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, इसके लिए हमने आकर उनको सोचे कि सब प्रश्न। देखा जाता है कि लोग बेटी को पढ़ाने में काफ़ी संकोच करते हैं, बेटी को बाहर भेजने में कई तरह के सवाल उठा करते हैं, आखिर क्यों? देखिए, बेटी कोई लड़कों से कम नहीं, अगर अपने मंदिर को अपने ध्यान में रख कर मेहनत करें तो देखा जा रहा है कि लड़के से लड़की आगे निकल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि लड़की को होना ये पाप नहीं समझे, लड़की ये सर का ताज बन करके रही है, सर का ताज ही तो सही से शिक्षा और प्रोड्यूस किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। मेरे उनकी लड़की जो है जो बीच में चुकी, उनके भाई से बातचीत हुआ और जनप्रतिनिधि उनसे बातचीत हुआ, तो मैंने उनसे ही बातचीत हुआ, साफ तौर पर सभी का कहना है कि बेटी घर की बोझ नहीं होती है, बेटी को पढ़ाइएगा तो आपका नाम लोग बेटा से कम नहीं है बेटी। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि सिवान में जो पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, एक लड़की ही पूरे जिले का नाम रोशन कर चुकी है, जो पूरे राज्य में नाम आज चल रहा है कि हाँ सिवान की कसम पूरा गांव की लड़की है जो DSP बनी हुई है। तमाम बातचीत आपने सुना होगा, कैसा बातचीत रहा जरूर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें।